Assalamu alaikum. This is Sir Sibur Rahman, and this session is being recorded. And today we have another very important session with all of you. और आज के इस session में आपके अंग्रेजी के वो सारे tracks मुकम्मल हो जाएंगे जिस पर अंग्रेजी बोली जाती है. अगर आपने इन चीजों को आज के session को बहुत गौर से सुना और समझा, आप यकीन करें this is the reality that what you can see on the screen is this is the complete English language. अंग्रेजी बहुत आसान है, लोग उसको मुश्किल करके पढ़ाते हैं ताकि लोगों को आए ना और उनकी गाड़ी चलती रहे, लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमारे दो चार छह सेशन ही ले लो तो मैं अंग्रेजी आ जाती है, ठीक है ना, समझ भी आ जाती है. आप देखिए आपके सामने जो वन और टू पर लिखा हुआ है, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, तमाम स्टूडेंट्स को याद है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी की आप लोगों ने, जुमले भी बहुत सारे बनाकर भेजे, रातें काली कर दी है, यू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यू वर्क लाइक अ ब्लैक, यू वर्क टेंजर टू योर बोन्स, यू वर्क लाइक अ क्लैपर. काश जिंदगी में आज से पहले ऐसी मेहनत की होती तो आज कहीं और होते, जितनी मेहनत कल हुई है लैंग्वेज के ऊपर. सही कह रहा हूँ, कल बहुत मेहनत हुई है ना लैंग्वेज के ऊपर, बहुत सोचा है, बहुत वक्त लगाया है, टेस्ट भी दिया है, लेक्चर भी लिया, लिखा भी, लग रहा था कि हाँ भाई कुछ कुछ हो रहा है. हर दिन को ऐसे ही गुजारिएगा, ये नहीं कि दो चार हफ्ते बाद आप लोगों के अंदर ढीलापन आ जाए. हमसे नहीं होगा, तुमसे ना ही होगा भाई, होगा. आप मेहनत करते रहे, आपको नहीं पता चलेगा कि कब आपके अंदर तब्दीली आ गई, ठीक है ना. पहली और दूसरी फॉर्मेशन को गौर से देखिए, ये जो फॉर्मेशन है ये हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कहां पर होता है, इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल टेंसेस के अंदर किया जाता है. अच्छा, अब जो आज की फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो पहले जरा मॉडल्स को देख लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या क्या है. तो जरा आप स्क्रीन पर देखें, शुड इज इक्वल टू ऑट टू, पहली दफा सुना है ऑट टू क्या बोला है, सही है, शुड इज इक्वल टू ऑट टू, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. अच्छा, इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को और टेंसेस को अगर आपने सीख लिया, मैं दो चीजें और ऐड कर देता हूं, टेंसेस के साथ मैं स्ट्रक्चर्स पर भी पढ़ाता हूं और मॉडल वर्ब्स के साथ मैं मॉडल फ्रेजेस भी पढ़ाता हूं. फाउंडेशन आप लोग पढ़ रहे हैं, बस ये समझ लें ये एक सीधी सड़क है और इसके बाद आपकी जिंदगी में यू टर्न आ जाता है. यू टर्न का मतलब समझते हैं, ये सड़क खत्म हो जाती है, आगे कोई सड़क नहीं है. क्या मतलब सर? भाई जब आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं तो रास्ता वो खत्म होता होगा ना, कहीं पर तो एंड होगा, तो ये दी एंड है आपका. उसके बाद आप यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेकर आप जब आते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं. अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको कुछ नया सीखना पड़ता है. जो आपने टेंसेस और मॉडल्स के फॉर्मूले याद किए हैं, उनका इस्तेमाल आपने सीखा है, वही चीज कहां पर अप्लाई हो रही होती है, कंडीशनल सेंटेंसेस में. अब कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कोई नई बात नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा, जो जैसा सर कह रहे हैं वैसा ही होगा, कोई नई बात आपके सामने नहीं आएगी, कोई नई फॉर्मेशन नहीं आएगी. फिर पैसिव में जाएंगे, पैसिव भी किस चीज का होता है, पैसिव भी टेंसेस और मॉडल्स पर बेस करता है. नरेशन में जाते हैं तो नरेशन भी टेंसेस और ये मॉडल्स और कंडीशनल्स और पैसिव पर बेस करता है. सो नथिंग इज गोना बी न्यू. तो इसलिए मैं कहता हूं कि दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करो, योर प्रॉब्लम्स विल रिजॉल्व, राइट. आइए मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशंस देखते हैं. मॉडल वर्ब अपने बाद मेन वर्ब लेता है,
एक सेंटेंस के अंदर जब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है। मुझे कौन बताएगा कि हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं? सर थ्री ऑक्सिलरी, माशाल्लाह, कौन थ्री कौन से? सर डू हैव बी डू डू डू, बी और हैव। डू डू, बी और हैव, माशाल्लाह। बी अच्छा, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स में से डू का कोई किरदार नहीं है मॉडल, यहाँ पर सिर्फ बी और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो भी किस तरह से करेंगे अभी आप देखिएगा, लेकिन फॉर्मेशंस आपके सामने दो ही है, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब और मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ऊपर अगर आपको याद हो सेकंड फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, तो आपने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली टाइम की बात करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो टाइम की बात करते हैं, जैसे आपके पास डू था तो फिर डू, डज और डिड हो गया, बी था तो इज एम आर वाज वर हो गया, फिर हैव था तो हैव हैज और हैड हो गया, क्योंकि वो टाइम की बात करता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। फिर आपने मेन वर्ब लगाया, फिर आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब यहां पर अगर आप देखें तो मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। आइए फॉर्मेशंस को देखते हैं। सबसे पहली फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी भी देखिएगा, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब आई एन जी, और तीसरी भी देखिएगा मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको एक बात समझ आ रही होगी कि मॉडल्स के अंदर भी उसी तरह से मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं जिस तरह से हमने कहां पर स्टडी किए, जिस तरह से हमने टेंसेस के अंदर सिंपल प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव सिचुएशंस को स्टडी किया है, मॉडल्स भी अपने अंदर इस तरह से मुख्तलिफ सिचुएशंस को डिस्कस कर सकता है, जाहिर कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखें सर, वर्ब आई एन जी आ रही है, प्रोग्रेसिव थर्ड फॉर्म आ रही है, परफेक्ट फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सिंपल और परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा तो आप खुद समझदार हैं कि आप क्या करेंगे। परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए आप वर्ब आई एन जी लाएंगे, और वर्ब आई एन जी से पहले आप क्या लगा देंगे? बीन, तो वो बन जाएगा परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब सवाल ये उठता है, पहले अभी इन तीन फॉर्मेशंस को फोकस करें, सवाल ये उठता है सर, देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या सर? वहां जब कोई वर्ब आई एन जी आता था तो उससे पहले हम इज एम आर वॉज वर लगाते थे, तो हमें प्रेजेंट और पास्ट का अंदाजा होता था। जब कोई थर्ड फॉर्म आती थी तो प्रेजेंट और पास्ट का फैसला करते थे, हैज और हैव और हैड हम लगाते थे। लेकिन सर यहां क्या होगा? क्या यहां पर भी बी इज एम आर वर्ज वर्ब में चेंज होगा? क्या यहां पर भी हैव की जगह पर हैज और हैड आएगा? डू, डज और डिड पर तो आपने पाबंदी लगा दी है, तो जो पहली फॉर्मेशन आपने लिखी है मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब ऑफ वर्ब, ये बात तो समझ आ रही है कि ये कौन सिचुएशन की, कौन सी सिचुएशन की बात कर रही है, सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट। लेकिन सर ये कौन से टाइम की बात कर रही है? सवाल समझ आ रहा है भैया? पहले तो हमारे पास इज एम आर था, वॉज वर था, हैवर हैज था, हैड था, कि उससे पता चलता था, क्या पता चलता था? सर प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की या फ्यूचर अब की? एक सवाल बच्चे का, बहुत अच्छा सवाल इस बच्चे ने उठाया है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? बताइए सर कैसे पता चलेगा? दम तो है इस बच्चे के सवाल में, क्यों? देखिए वर्ब आई एन जी तो बता रही है प्रोग्रेसिव, तो उसको तो आप छोड़ दे सर कि क्योंकि जी बेटा। सर मुझे एक बात करनी थी। सर अब जैसे कि हर मतलब वर्ड का मीनिंग चेंज हुआ है, तो अब हमें नहीं पता है ऑक्सिलरी वर्ड क्या होता है, वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या वो है, पुरानी बेटा तो हेल्पिंग वर्ब, कर दें हेल्पिंग वर्ब। वो पुरानी बात और है हेल्पिंग सर वर्ब। मैं चाह रही थी कि हम जो बेसिक्स हैं, जो सेंटेंसेस है, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, हम वहां से स्टार्ट करें। जब हमें बेसिक्स ही नहीं आती होंगी, हम आगे ये करना तो मुश्किल हो जाएगा। एक ये बार क्या वो भी है, रिकॉल हो जाए तो ये अच्छा मैं क्या कर रहेगा। रहा हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनेट को मेरा बेटा अभी 3-4 हफ्ते बाद आएगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट से पहले अभी मैं खुदाइयां कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट तो टेंसेज है, मैं तो टेंसेज अभी शुरू नहीं कर रहा, मैं तो टेंसेज से पहले अभी आपके रेलवे ट्रैक्स पे काम कर रहा हूँ।
आप कह रही है सर आप रेल का डब्बा चला दीजिए प्रेजेंट सिंपल, अरे पहले पटरी तो लगा दूं मैं, या तो सड़क ही नहीं है, पहले मैं सड़क बनाऊंगा उस पर ट्रैक बनाऊंगा उसके बाद आएगी ना प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट, वो तो बहुत दूर है। ठीक है, अभी तो सर खुदाई कर रहे हैं, अभी ट्रैक बना रहे हैं आज कि इसके ऊपर गाड़ी चलेगी हमारी। अंग्रेजी जो बोली जाती है, जिन सेंटेंसेस को यूज किया जाता है उसकी फॉर्मेशन समझा रहा हूँ अभी तो बेटा। अभी तो पार्टी शुरू नहीं किया सर ने, अभी तो डेकोरेशन का सामान आ रहा है, अभी इसको सेट करेंगे, फिर आप देख लीजिएगा अगर आपको डेकोरेशन अच्छा लगे तो ठीक है। जब तक नहीं आएंगे हम इंग्लिश बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो सेंटेंस है हमने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो वही तो उसी की तो बेसिक्स चल रही है बहन। ओके सर, ठीक है चल। अब यहां पर ये देखें कि आपके पास जो ये फॉर्मेशन है, मॉडल वर्ब्स मैंने आपको बता दिए कि मॉडल वर्ब्स क्या है, शुड है, मस्ट है, मे है, माइट है, याद करो ये मॉडल वर्ब्स है। अब सर ने ये कहा है कि मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है सर आपकी बात ये भी हमने याद कर ली। फिर मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब आई एन जी आएगा, इस बात को भी याद करो। फॉर्मेशंस को समझना नहीं होता, रटना होता है, याद करना होता है, जहन में बिठाना होता है। फिर मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मॉडल्स की तीन फॉर्मेशंस हैं जो तीन मुख्तलिफ सिचुएशंस की बात कर रही है। कर रही है या नहीं कर रही, क्या सब इस बात से अग्री कर रहे हैं, ये बात समझ आ रही है? यस सर। और ये तीन सिचुएशन जो डिस्क्राइब कर रहा है वो आपका पुराना रिश्तेदार कर रहा है, बताइए उस रिश्तेदार का नाम। ऑक्सिलरी वर्ब। अस्तग़फिरुल्लाह, ये सुनने से पहले लाइट क्यों नहीं चली गई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब आईएनजी, थर्ड फॉर्म का चीज होती है बाबू। कल का लेक्चर याद कीजिए, जहन पे जोर डालिए, क्या था ये क्या है फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी थर्ड फॉर्म, इसको आपने क्या याद किया है? याद करने के लिए कहा था, समझने के लिए थोड़ा नहीं कहा था। अब बता दे, देखकर फर्रा सामने मेन वर्ड। बहुत शुक्रिया आपका, दिल जीत लिया आपने। चले अब आगे जा रहे हैं, भूलिएगा नहीं बेटा। अब आपने इस मॉडल्स की इस फॉर्मेशंस को दोबारा देखिए, ये आपने मॉडल्स की फॉर्मेशन को देखा है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें वर्ब आई एन जी, इसमें थर्ड फॉर्म, आप ये कौन है हकीकत में, ये कौन है मेन वर्ब, ये आपकी क्या है मेन वर्ब। अच्छा नीचे देखो तुम्हें बी और हैव नजर आ रहे हैं, बताओ ये दोनों कौन है? सही तो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, मान ली आपकी बात। अच्छा बताओ बी के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? क्या आप अभी आ रही है इस बात से अग्री करते हैं? देखें हैव के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा मॉडल वर्ब की अगर हम बात करें, अगर हम मॉडल वर्ब्स की बात कर रहे हैं, जो मॉडल वर्ब्स है, तो मॉडल वर्ब्स देखिए गौर से, मॉडल वर्ब, अब ये तो सर हमें नहीं लगता कि अगर हम शुड लिख रहे हैं तो वो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर की बात करेगा। मॉडल के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो किसी टाइम की बात करें। तो अब सर कंफ्यूजन एक ये बढ़ रही है कि अगर हमने एक फॉर्मेशन लिखी मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सर ये कौन से वक्त की बात कर रही है? पेंसिल से अपने पास नोट करें, ये फॉर्मेशन जनरली आमतौर पर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। कौन सी बात करती है? प्रेजेंट और फ्यूचर की, फ्यूचर जनरली बात कर रहा हूं मैं, जनरली का मतलब समझते ना, आमतौर पर ज्यादातर ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। आ गई बात समझ? अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रही है तो यहां पर ये जो तीन सेंटेंसेस लिखे जरा देखिएगा, शी शुड पे टैक्स,
शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स, उसे टैक्स पे करना चाहिए, वो टैक्स पे कर सकती है, शायद वो टैक्स पे करती हो, शायद वो टैक्स पे करेगी, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। क्या यही फॉर्मेशन पास्ट की बात कर सकती है? तो मैंने संडे कहा जनरली तो नहीं कर सकती, लेकिन दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करें, देखिएगा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड रन फास्ट, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड I could run fast. जब मैं बच्चा था तो मैं तेज भाग सकता था. When I was a child, I could run fast. अब आप यहां पर देखिए, I could run fast, could के बाद first form आ रही है, तो बताइए, लेकिन ये जो formation है, ये present की बात कर रही है या past की बात कर रही है? सर ये past की बात कर रही है. ये past की बात कर रही है. When I was a child, I could run fast. अच्छा, इसी तरह से मैं यही जुमला लिख रहा हूं. When I was a child, I could की जगह पर मैं would भी लिख सकता हूँ. अब ये would भी किस चीज की बात कर रहा है? सर past की. Past की बात कर रहा है. आ रही बात समझ? ये दो मॉडल्स ऐसे हैं जो past की बात करते हैं. Generally ये formation present and future की बात करती है, लेकिन ये दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगाए तो ये पास्ट की बात करेंगे. दूसरी फॉर्मेशन पर आइए. ये आमतौर से प्रेजेंट और फ्यूचर की बात ही करती है, इसके अलावा इसकी और कोई एप्लीकेशन नहीं है. लेकिन यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं कौन जवाब देता है. मैंने कहा इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, वो शायद इस वक्त बारिश हो रही है. She may be calling you. शायद वो तुम्हें फोन कर रही है, शायद वो तुम्हें फोन कर रही होगी. अब आप इस फॉर्मेशन को देखिए और मैं कहता हूं कि she may be calling you. शायद वो तुम्हें फोन कर रही है. अब मैं आपसे कह रहा हूं, जरा इसका मुझे पास तो बनाकर दिखा दीजिए. She may be calling. She might be calling you. She might be calling you. Excellent answer. But it is wrong. She will be calling you. She could be calling you. She could maybe calling you. सबने लगा लिए तो के कोई रह गया? I think she could be calling. Calling की जगह शायद called आएगा. Called you. She could be की जगह could आएगा. She might be calling you. एक आएगा. She should be calling you. She may have, sir. She may have been calling you. अच्छे की बात करनी है ना. ये बात याद रखे, मॉडल की फॉर्म को बदलने से कभी उसका पास्ट नहीं होता. She may be calling you. अगर आपको इसका पास्ट करना है तो आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा. She may have been calling you. शायद वो तुम्हें फोन कर रही थी. ये मॉडल वर्ब्स का पास्ट बना दिया आपने. She may have been calling you. अब लेकिन आपके जहन में एक और बात भी आ रही होगी कि सर एक मिनट, सर यहां पर जो have been plus verb ing आ रहा है, अगर हम इस सेंटेंस में, बुरा ना मानिएगा सर आप, अगर हम इस सेंटेंस के अंदर ये भी ऐड कर दें, she may have been calling you since morning, तो बताइए सर ये अब क्या मीनिंग्स दे रहा है? ये तो आपको वही परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाली मीनिंग्स जनरेट करने पर आ गया है भाई. फॉर्मेशन तो यही रहेगी, लेकिन यही जब आप इसी सेंटेंस में फॉर और सिंस लगा देंगे तो ये अपनी मीनिंग्स को बदल लेगी. शी मे हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग. अब ये प्रेजेंट की मीनिंग्स भी अपने अंदर रखती है और पास्ट की मीनिंग्स भी.
अब फिर एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर, जब संडे की बात बताई, बताइए वो सवाल क्या है। सर हैव बीन तो प्रेजेंट में आता है ना, हैड बीन नहीं है यहाँ पर। तुम फॉर्मेशन को चेंज करोगी, तुम गोरे की बनाई हुई चीजों में चाह रही हो कि तुम गड़बड़ कर दो, पूरी अंग्रेजी को बर्बाद कर दो। देखो तीन फॉर्मेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है बड़ी बड़ी येलो में, इसको तब्दील नहीं कर सकते बेटा। क्या बी को मैं एजमान नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। बी को मैं वॉचमैन नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, लेकिन मॉडल की बात करूंगा, मॉडल की बात। नो सर। क्या मॉडल के बाद मैं हैव को हैस करूंगा? क्या मॉडल के बाद जो हैव लिखा है उसको मैं हैड करूंगा? कभी कर ही नहीं सकता, हैसियत नहीं है मेरी इतनी, क्योंकि मॉडल वर्ब्स कहता है कि मेरे बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आपने अगर मॉडल के बाद हैस लगा दिया तो आपने गुनाह कर दिया, गलती कर दी। आई बात समझ? एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर, ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, इसमें राइट नाउ आ रहा है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम आगे राइट नाउ रिमूव कर देंगे ना? जी, अगर ऑब्वियसली राइट नाउ एडवर्ब प्रेजेंट का, इट मे बी, यस सर, अगर मैं इसका पास करूंगा तो इट मे हैव बीन रेनिंग, यस सर, शायद कल बारिश हो रही थी, बट राइट नाउ को हटाकर यस्टरडे लगा दूंगा या दैट टाइम लगा दूंगा, इट मे हैव बीन रेनिंग दैट टाइम। लेकिन फॉर्मेशन मुझे ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मे हैव बीन प्लस वर्ब आई एन जी, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आई एन जी, ये प्रेजेंट, ये प्रोग्रेसिव की मीनिंग देती है पास में, और ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए भी स्टैंड करता है। सर ये कंपल्सरी तो नहीं है ना कि हम इंडिकेशन दें? अगर हमने मे हैव बीन लगा दी तो ये ऑटोमेटिकली पास की इंडिकेशन दे रहा है? जी नहीं। ओके सर। जी नहीं, मीन कि हमें ये देना है यस्टरडे या दैट टाइम वगैरह लगाना है? ये देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ। यस सर, यहाँ पर मैंने लिखा शी मे बी कॉलिंग यू, ठीक है, ये बात कंफर्म है कि ये बात प्रेजेंट की कर रहा है या फ्यूचर। yes, अगर sir. मुझे इसका पास्ट करना है तो मैंने आपसे कहा शी मे हैव बीन कॉलिंग यू, मुझे इसमें सेंस ऑफ ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक सिर्फ एक टाइम की बात कर रहा हूँ, वो शायद तुम्हें बुला रही थी, तो ये सिर्फ पास्ट मीनिंग दे रहा है। मैं इसको पास्ट प्रोग्रेसिव लिख सकता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा, और यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि ये आपको कौन सी मीनिंग देता है, प्रेजेंट या फ्यूचर। सर मैं यही कह रही हूँ, आगे ये जरूरी तो नहीं है ना मेंशन करना यस्टरडे, लास्ट मंथ वगैरह? नहीं, क्योंकि फॉर्मेशन आपको बता देती है ना, ऑटोमेटिकली बता देगी। यस सर, टू क्लेरिफाई कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, आप उसमें टाइम वर्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है। शी मे हैव बीन कॉलिंग यू यस्टरडे, देखें शी मे हैव बीन कॉलिंग यू, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, शी मे बी कॉलिंग यू राइट नाउ, आप लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो, ठीक है। तो फिर राइट नाउ लगा देंगे तो फिर ये आपको सिर्फ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की मीनिंग नहीं, और मैं अगर इसको फ्यूचर की मीनिंग दूंगा, शी मे बी कॉलिंग यू टुमारो, शायद वो तुम्हें कल फोन कर रही होगी, देख लेना, क्योंकि वो कह रही थी मैं आऊंगी तो सबसे पहले तो मैं फोन करूंगी, शी मे बी कॉलिंग यू टुमारो, तो फिर ये आपको फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन दे देगा। ये सिर्फ इंडिकेशन किस वजह से मिल रहा है, एडवर्ब की वजह से। अब मैं चाह रहा हूं कि इन्हीं सारी सिचुएशंस को आप पास्ट में कर दें, तो अब पास्ट में करने का फॉर्मूला बहुत आसान, देखिए ना, मैंने इस जुमले की उर्दू बता दीजिए, शी मे हैव बीन कॉलिंग यू यस्टरडे, वो कल से तुम्हें कॉल कर रही थी, ये कर रही होगी, शी इज वरिड, परेशान है, शी वॉज वरिड, वो परेशान थी। सर फर्स्ट वाला प्रेजेंट में जाएगा, बस मॉडल सेकेंड वाला पास्ट में जाएगा, बस
याद रखे। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि एक फॉर्मेशन कैसे दो वक्त की बात करेगी, उसके उससे पहले कोई ना कोई प्रेजेंट सिंपल, पास सिंपल या टेंसेस से रिलेटेड कोई जुमला लिखा होता है। जैसे लिखा हुआ है शी इज वरिड, प्रेजेंट है सिचुएशन सिचुएशन, शी वॉज वरिड पास्ट है। अब आगे जो बात बोली जाएगी वो समझ आ जाएगी, वो परेशान है, शी इज वरिड, शायद वो तुम्हें कल से फोन कर रही है और तुम तो उठा ही नहीं रहे हो फोन, अबे मोबाइल ही बंद है मेरा और खुला हुआ भी है, मतलब खो गया कहीं रखे भूल गया, वो बजे जा रहा है मिल नहीं रहा। शी वॉज वरिड, शी वॉज वरिड, वो परेशान थी और शायद तुम्हें कल परेशान से फोन कर रही थी, फिर आखिर में गुस्से में आकर उसने अपना सेल फोन ही तोड़ दिया। शी वॉज वरिड, शी मे हैव बीन कॉलिंग यू सिंस यस्टरडे, शायद वो तुम्हें कल से फोन कर रही थी, वो असल में हम दोनों का फोन एक जैसा है, वो मेरे फोन से मेरे नंबर पे फोन कर रही थी और वो इंगेज जा रहा था और उसने अपना नहीं मेरा सेल फोन तोड़ा। आई बात समझ? जी सर। अब आपके सामने तीसरी फॉर्मेशन है, गौर से देखिएगा और मैं एक जनरल नॉलेज का सवाल कर रहा हूं आपसे। यू शुड टेल सारा, यू इस जुमले का मतलब बताएं, यू शुड टेल सारा, मैं सारा को बताना तुम्हें चाहिए, सारा को बताना चाहिए, अच्छा अगर तुम्हें मैं इन, सारा को जरूर बताना चाहिए। चले जरूर बताना चाहिए, मैं इसका पास्ट करने जा रहा हूं, यू शुड, यू शुड हैव क्यों भाई यू शुड टोल्ड सारा। नो सर, यू शुड हैव टोल्ड सारा। अच्छा हुआ है ये, यू शुड टेल सारा, सही तो कह रहे सर, आसान सी बात है, देखो कितना आसान बताते हैं, यू शुड टेल सारा, यू शुड टोल्ड सारा, इतनी आसान अंग्रेजी है, बिलाव जब हम टेंशन ले रहे थे। क्या ये Then जुमला you should सही, have told Sara. क्या ये जुमला सही है, यू शुड टोल्ड सारा? हाँ सर, देखे ना टेल का टोल्ड होता है, ये पता है टेल का टोल्ड होता है, लेकिन ये जब मैं बता रहा हूं आज की क्लास के अंदर चीख चीख के कि मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, वो पोपड़ी में बात नहीं बैठेगी। हाँ, सही है सर। तो सर क्या करेंगे फिर हम, यू शुड हैव टोल्ड सारा, आपको इसका पास्ट करना है, आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जो फॉर्मेशन ऊपर लिखी हुई, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, अच्छा सर यहाँ अगर शी होता या अली होता, अली तो सर अली ये शुड हैस कर सकते हैं, फिर बता नो सर, दीजिए, नो सर, नो वो सर, फॉर्मूले का हैव लिखा हुआ है उसको बिल्कुल भी मत छेड़ना, बता रहा हूँ किडनैप हो जाएंगे आप लोग अगर आपने उस हैव को छेड़ा या बी को छेड़ा, वो अपनी जगह पर रहेंगे, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, अली शुड हैव टोल्ड सारा, यू शुड हैव टोल्ड सारा, आ गई बात समझ? सर। अच्छा ये अब आपको हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सी मीनिंग दे रहा है, ये ऊपर वाला सेंटेंस कौन सी सिचुएशन को जाहिर करता है, प्रेजेंट किया फ्यूचर, प्रेजेंट ये किया सिंपल फ्यूचर, सिंपल और फ्यूचर की, फ्यूचर सिंपल साथ में प्रेजेंट और फ्यूचर, तो मैं इसको फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं आप बात, ये कौन यस सी टाइम और कौन सी सिचुएशन है, और नीचे वाला जो सेंटेंस है वो कौन सी पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट आई बात सिंपल समझ, पास्ट तो सर, कौन वो सी पास्ट सिचुएशन कौन सी है, सिंपल 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 पास्ट सिंपल पास्ट, लेकिन यही सिचुएशन यही फॉर्मेशन में क्योंकि हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये और वो कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकती है, परफेक्ट, Right. बचपन से पढ़ा है ना हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट परफेक्ट सिचुएशन, अब कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, तो देखिए दूसरा सेंटेंस, शी इज नॉट हेयर, शी वॉज नॉट हेयर, इफ यू कम टुमारो एट 7, मिल गया आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, शी इज नॉट प्रेजेंट हेयर, शी वॉज नॉट हेयर, पास्ट इफ यू कम टुमारो एट 7, फ्यूचर हो गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आपको पता चल गया मॉडल की फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले अंदाजा लग गया
कि ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है, यस सर, यानी कि मॉडल की फॉर्मेशंस तो तीनों वक्तों की बात कर सकती हैं, लेकिन उनको बताने के लिए हमें टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। जब ही सर आपको पहले टेंसेस पढ़ाएंगे उसके बाद मॉडल वर्ब्स पर लेकर आएंगे, लेकिन आज के सेशन से आप किन चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं? मॉडल की चार फॉर्मेशंस को, क्योंकि आप जिस दिन से बोलना स्टार्ट करेंगे, सुनना तो आपने शुरू कर दिया है, और सुनने में आपको ये फॉर्मेशन सुनाई दी जाएगी। अगर आपके जहन में ये फॉर्मेशन बैठ जाए और कोई आपसे कहे यू शुड हैव टोल्ड मी, तो आपको कम से कम मतलब तो समझ आएगा। सही, ये पास्ट की बात कर रही है, समझ तो आती है, लेकिन हमें तो मॉडल्स की जबान समझ ही नहीं आती है, क्योंकि मॉडल्स हमने पढ़े ही नहीं है जिंदगी में। सर देखे फर्स्ट टाइम है, देखे फर्स्ट टाइम है, शाहरुख और सलमान को देखा था आज से, आज हमने शुड और मस्ट और ऑट टू को देखा है, ये भी मॉडल है भाई, इनको भी देख लिया करें। चले, शी इज नॉट हियर, शी मे हैव गॉन होम, वो यहां पर नहीं है, शायद वो चली गई है। शी वॉज नॉट हियर, वो यहां पर नहीं थी, शायद वो जा चुकी थी जब तुम आई। शी मे हैव गॉन, जी सर, मे हैव और मे हैव बीन, इसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे कि हमें कहाँ मे हैव लगाना है, कहाँ मे हैव बीन लगाना है, और कहाँ माइट बीन लगाना है। मैंने तो माइट के ऊपर बात ही नहीं करी, मैं तो बहन अभी सिर्फ फॉर्मेशंस पे बात कर रहा हूँ। मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर के वो इजीली माइंड में आ जाए। अच्छा, she was not here, she may have gone home when she came, हाथ उठाकर बोलने की आदत डालेंगे, तो मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल दूंगा। बीच में बोलेंगे तो फिर वो बात भी रह जाएगी, और जो बता रहा हूँ वो बताने का भी फिर रिदम आउट हो जाएगा। If you come tomorrow at 7, she may have gone. अगर तुम कल 7 बजे आओगी तो शायद वो जा चुकी होगी। आपको पहला वाला सेंटेंस आपके टाइम के बारे में बता रहा है। क्या तमाम स्टूडेंट्स मेरी इन बातों को बहुत अच्छे से समझने में कामयाब हो रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये गायब हो रहा है, फिर मैं मजीद लिखना है मुझे यहाँ पर अभी, ठीक है? चले, ये जो मैं लिखता हूँ फिर आप अपने पास कॉपी में लिख लिया करें। अच्छा, अब देखें, आइए थोड़ा सा समराइज करता हूं, आपका जहन में बातें बैठ जाएंगी। हम एक सेंटेंस लिखते हैं पहले टेंस में, ठीक है ना, टेंसेस वर्सेस मॉडल्स, लाइव एंड एक्सक्लूसिव जो आज पढ़ा रहा हूं ऐसे पहले कभी नहीं पढ़ाया 18 साल में। ही Writes a letter, मतलब बता दीजिए। वो खत लिखता है। अब मैं बामुकाबला मैं एक मॉडल का जुमला भी लिखता हूं, और मैं उसकी फॉर्मेशन भी आपके सामने देखिएगा, मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ही मे राइट अ लेटर, मतलब बता दीजिए। वो शायद खत लिखता है, वो शायद खत लिख सकता है, वो खत लिखता हो, वो शायद खत लिखता है, वो खत लिखता है। इसमें बीच में सिर्फ ऐड कर दीजिए शायद, वो शायद खत लिखता है। He is writing a letter, मतलब बताइए। वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा है, लिख रहा है। मैंने कहा he may be writing a letter, वो शायद खत लिख रहा है, वो शायद लिख रहा है, ठीक है। मैंने कहा he has written a letter, उसने खत लिखा, उसने खत लिखा, वो खत लिख चुका है, उसने खत लिख लिया है। और यही बात अगर मैंने मॉडल में लिखी तो मैं कैसे लिखूंगा, he may have written a letter. अच्छा, बहुत अच्छे से बात समझ आ गई।
यस सर. अच्छा अब मैंने कहा ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर. He may have been written a letter. A year. He may have been writing a letter for a year. वो शायद अस्तग़फ़िरुल्लाह वो एक साल से खत लिख रहा है. अगर यही बात मैं मॉडल में लिखूंगा तो बताइए कैसे लिखूंगा. He may have been writing a letter for a year. अच्छा मुझे ईमानदारी से बताइए क्या हमने मॉडल्स की सारी फॉर्मेशंस को यूज कर लिया. मॉडल्स की टोटल फॉर्मेशंस कितनी सिखाई है मैंने आपको. अच्छा क्या ही चारों फॉर्मेशंस आपकी स्क्रीन पर आ गई. यस सर. ही मे राइट अ लेटर यानी कि मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. मे बी राइटिंग मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आई एन जी. मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आई एन जी. मैं जा रहा हूं अब पास्ट में. ठीक है अब देखना जादू. अब मैं पास्ट में राइट को बताए क्या करूंगा. रोट सर. रिटन रोट रोट सिंपल में ही रोट अ लेटर. अब मुझे मॉडल भी पास्ट में क्या मैं ही में रोट कर दूं. नो सर. माइट माइट अस्तग़फ़िरुल्लाह. मे हैव लिखेंगे. मे हैव कर देंगे. मे हैव रिटन. मे हैव रिटन कर देंगे आप. ही मे हैव रिटन अ लेटर. अब मैं इसको वॉश कर रहा हूं. अब बताइए आगे क्या तब्दीली करूं. सर Sir, he may have writing a letter. Astaghfirullah. Yes, sir. Heavy aayega. He may have been. He may have been writing a letter. मैंने इसको head कर दिया. बताइए अब क्या करूँ. May had been. No, may have been. He may have been. Sir, he may have been written a letter. He may had been. I think. They have been. May के बाद had लगा सकते हैं. No sir. No sir. No sir. No sir. Allow नहीं किया उन्होंने. Allow नहीं किया. ऐसे rules में भी नहीं है. He had been writing a letter. आगे बताइए क्या तब्दीली करूँ. Sir, he may have been written a letter. Astaghfirullah. कोई तब्दीली नहीं आएगी ना बहन. He had written a letter. He may have written a letter. वो तो सिचुएशन डिस्क्राइब करेगी. पहले एक जुमला लगाएंगे हम मॉडल से फिर पता चलेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है. पहले अब आप देखिए दोबारा क्या मॉडल की आप कितने चार फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं. जो ऊपर चार फॉर्मेशन आई थी क्या वही चार. सर ही हैज रिटन अ लेटर. ही हैज सर आप इसका पूछ रहे हैं ना. ही हैड रिटन अ लेटर का मॉडल बनाना है. हाँ तो सर ही मे हैव नहीं आएगा. तो लिखा हुआ तो है ही मे हैव रिटन अ लेटर. आगे देखिए. ही हैज रिटन अ लेटर सर. सर ठीक लिखा हुआ है. हाँ तो मैंने कब कहा कि गलत लिखा है. मैंने ये कहा कि अगर आप ये सोच रही हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट है तो यही बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि टेंसेस का एक जुमला आपको जुमले से पहले ऐड करना पड़ता है. He is, yes, he was. Yes, sir, जब एक जुमला पहले ऐड करेंगे सिचुएशन को डिस्क्राइब तो करेंगे ना कि ये प्रेजेंट है पास्ट है. मॉडल्स की सिर्फ चार फॉर्मेशंस हैं और वो चार फॉर्मेशंस अब जो बात कर रहा हूं बिल्कुल आखिरी बात है. मॉडल्स की जो चार सिचुएशंस है आप देख सकते हैं फर्स्ट फोर सेंटेंसेस में वो चार सिचुएशंस की बात करती है. सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव. जैसे मे राइट मे बी राइटिंग मे हैव रिटन और मे हैव बीन राइटिंग. यही चार फॉर्मेशंस हैं. और इन चार फॉर्मेशंस में एक बात और बता दूं कि मॉडल्स की जितनी फॉर्मेशंस हैं वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात कर सकती है. जैसे ये जो मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात कर सकती है. मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आई एन जी बस एक वाहिद फॉर्मेशन है जो पास्ट को इंडिकेट नहीं करती. वो सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर में ही रहती है.
लेकिन मॉडल मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ये प्रेजेंट की बात भी करती है, पास्ट की बात भी करती है और फ्यूचर की बात भी करती है। फ्यूचर को हम घास डालते नहीं है, तो प्रेजेंट और पास्ट, क्या ये फॉर्मेशन जहन में बैठ जाएंगी? सिर्फ फॉर्मेशन को जहन में बैठाना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे गायब हो जाएगा। मैं मुझसे कुछ गलतियां हो गई है, मैं कुछ जुमले लिख रहा हूं और मैं लेकिन उसमें गलतियां कर बैठा हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे उसको सही करने में? सर कोशिश करेंगे, इतना हद तक की कोशिश करेंगे। He should goes to school every day. सर she should go to school every day. Go आएगा, goes नहीं आएगा। She आ रहा है। Yes sir. Even she आ रहा है, लेकिन should के बाद first form. First form किस ऐसी ऐसी model के बाद first form है। First form नहीं आती। ठीक है। उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, she should has a car. She should have a car. She should have a car. Have a car. अपने बाद has नहीं लेगा। ओहो। मैंने सर। भूल जाता हूँ। Should के बाद has नहीं आएगा। कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, चल no problem. She should doesn't come alone. उसे अकेले नहीं आना चाहिए। मॉडल का नेगेटिव बनाना है तो मैंने कहा उसे अकेले चाहिए। She should not come alone. Does do नहीं लगेगा। Does should she come? Question. ऐसा तो लगेगा ना, शी के बाद कम जो हो रहा, शी कम, नो सर कम, अब तो मॉडल नहीं आ रहा ना, कम आएगा सर, सिर्फ कम आएगा। लेकिन मॉडल अभी सर शुड है ना, मॉडल सर फर्स्ट फॉर्म आती है, कम आएगा, एस एर एस एड नहीं होगा। ओके, थोड़ी कमजोर है इंग्लिश, थैंक यू। शुड शी कम, तीनों जुमले पहले देख लेना। सर वेंट नहीं आएगा। अरे देख तो लो, कुछ तो कोई तो सही बनाऊंगा। सर नहीं, आपने गलत बनाया, मैं फर्स्ट वाले में वेंट देख तो लो, सबर तो करो, थोड़ा विल लगा दो। चलो चलो अब सही है भाई। नो सर गलत है, तीनों गलत है। और सेकंड वाले में आएगा और गो आएगा, गॉन आएगा सर, गोबिन नहीं गॉन आएगा। Sure, he may go alone. और सर will भी नहीं आएगा, may आएगा, will भी नहीं आएगा। अब देखो कम से कम बेटा, कम से कम ये तो हो गया ना, ये तो कम से कम हो गया कि कल को कोई कुछ बोले मॉडल में तो समझ आएगा और ये भी पता चलेगा ये गलत बोल रहा है। गलत और सही का फैसला तुम्हें आज आ गया है, मान लो मेरी बात कि अगर किसी ने तुम्हारे सामने बोल दिया तुम तो फौरन चाटा रख दोगी, किसी ने कह दिया शी मे टोल्ड यू यस्टरडे, चाटा, दिमाग खराब हो गया आपको, पता नहीं
थैंक यू बेटा आई एम लर्निंग शी मे हैव टोल्ड यू सब आपके टीचर्स बन गए शी मे हैव टोल्ड यू यस्टरडे यस्टरडे क्या मैं अपनी बातों को समझाने में कामयाब हो गया हूँ क्या मैंने आपकी नसों के अंदर टेंसेस और मॉडल्स की फॉर्मेशंस की वैक्सीनेशन इंजेक्शन ड्रिप्स लगा दी हैं अब आप किसी को सुनेंगे अब आप अगर किसी को सुनेंगे तो आपके लिए ये फैसला करना सही होगा कि हाँ भाई ये जुमला सही है ये जुमला गलत है सर काइंडली इससे रेलेवेंट एक असाइनमेंट दे दीजिएगा क्योंकि उसकी फिर प्रैक्टिस हो जाती है अगर आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाए डू एज डायरेक्टेड जिसमें आपसे ये कहा जाए जैसे जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब लिखा होगा शी राइट अ लेटर ठीक है अब आपसे आपको डायरेक्शन दी जाएगी क्या करें भाई उसका आप इसमें शुर करें लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल राइट बाय मी अब आपने आपसे कहा गया शुड लगाइए ठीक है तो अब आप इसमें शुड लगाइए भाई शी शुड राइट अ लेटर पहली मरतबा कुछ मांगा है तो मैं बहन को खाली हाथ नहीं भेजूंगा ससुराल शी राइट्स अ लेटर अब शुड हैव लगाइए इसमें जब शुड हैव लगेगा तो फिर राइट जो है वो रिटर्न में हो जाएगा अच्छा यहाँ से कवर शी राइट्स अ लेटर आगे लिख दिया जाएगा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लिख दिया तो इसकी फॉर्मेशन को आपको किस में चेंज करना है इसी तरह से आपसे कहा गया शी राइट्स अ लेटर और मैं आखिरी एक बात बता दूं कि मैं किस तरह की एक्सरसाइज दूंगा आपको लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट नेगेटिव देखा हाँ एक खामोश कहने के ऊपर सब खामोश हो जाते शी हैड नॉट इतनी फरमाबरदार क्लास हमारी शी हैड नॉट रिटन अ लेटर ये ठीक है इस तरह की एक एक्सरसाइज आपके पास इंशाल्लाह कल या मुतवक्का है या फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मुतवक्का है ठीक है आज सर अगले सेशन में क्या पढ़ेंगे कल आप लोगों का फ्राइडे स्पेशल है फ्राइडे स्पेशल मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है फ्राइडे स्पेशल में हम आपको दे रहे हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो आपको रात में फॉरवर्ड कर दी जाएगी उसका पूरा एक शेड्यूल आपके पास आ जाएगा कि कल आपकी कौन सी डिबेट है कौन सी प्रेजेंटेशन है कौन सा रोल प्ले अच्छा मैंने ये बात महसूस की है मैंने कहा था अगर आप लोगों को याद हो आप में से कुछ स्टूडेंट्स शायद उन्होंने मेरी जबान से ये बात सुनी हो कि मैंने एक्टिविटी के सेशन को एक टेस्ट ट्रांसमिशन से गुजार रहा हूँ तो मैंने अपने टीचर से फीडबैक्स और रिव्यूज लिए स्टूडेंट से रिव्यूज लिए तो एक स्टूडेंट बहुत सारे रिव्यूज ये आए कि सर हम रोजाना प्रेजेंटेशन अगर आप हमें हफ्ते में एक प्रेजेंटेशन दे दें तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे आप रोल प्ले अचानक भी दे दें नो प्रॉब्लम लेकिन रोजाना रोल प्ले हम नहीं कर पाते
और इसी तरह से डिबेट्स के सेशंस अगर आप पहले से हमें बता दें तो हम उस पर कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे और फिर बहुत अच्छी डिबेट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों फ्लुएंसी टेस्ट रोजाना लिए जा सकते हैं, रोल प्ले कुछ एक दो दिन छोड़ के लिए जा सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा आपके लिए फॉर्मेट को और आसान किया। हमने फ्राइडे को हम पहले स्पेशल बनाते थे, इस दफा भी हम फ्राइडे को स्पेशल बना रहे हैं। और फ्राइडे स्पेशल की जितनी भी एक्टिविटीज होगी, क्या होगा, कितने बजे होगा, किस टीचर के साथ होगा, वो रात में आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसके मुताबिक आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक फ्राइडे स्पेशल चल रहा होगा। और सैटरडे और संडे हमने कॉन्वर्सेशन हॉल्स लॉन्च कर दिए हैं, खोल दिए आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आप 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सैटरडे संडे को भी कॉन्वर्सेशन हॉल में SKH के फैसिलिटेटर्स के साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं, बुराइयां कर सकते हैं, हमारे अपने गुनाह में ट्रांसफर कर सकते हैं, या उस टाइम को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिवली आप स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सर आपसे अगली मुलाकात कब होगी? मेरे याद रखिए, हर हफ्ते मेरे 2 सेशंस होते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, कभी 4 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, लेकिन होते जरूर है। तो इनशाला अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, कब होगी पहले ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन होगी जरूर मंडे या वेनेसडे को, या फिर ट्यूसडे और थर्सडे को। वरना मुझे इस दफा जो मजा आया पढ़ाने में, मैंने 2 सेशन एक साथ दिए तो मुझे ज्यादा मजा आया कि मेरी बात में बीच में कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, बीच में इंटरप्शन नहीं आई। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि सर के 2 लेक्चर्स एक साथ होने चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए? जैसे मैं मंडे और वेडनेसडे पढ़ाता हूँ तो सर लेक्चर आपका यूं होना चाहिए, मंडे वेडनेसडे, ताकि जो बात चल रही हो वो फौरन हमारे दिमाग में इनपुट हो जाए। मजा आ रहा है ना? कल भी और आज भी हमने सुना तो सर की बातें करेक्ट हो गई और टॉपिक भी मुकम्मल हो गया। सर अगला टॉपिक क्या आ रहा है? अगला टॉपिक बहुत जबरदस्त होने जा रहा है और वो टॉपिक होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीक में, और वो टॉपिक है स्टेट वर्ब्स। सर कोई असाइनमेंट? या बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एडजेक्टिव्स पे काम करना है। मैं इस सैटरडे यानी कल की क्लास में एडजेक्टिव्स के नाम करूंगा, तो मैं एक असाइनमेंट दूंगा जो इस लेक्चर में बड़ा हेल्पफुल होगा। कल कितने बजे होगा मेरा वोकैबुलरी का लेक्चर? 6 बजे कल मैं वोकैबुलरी की क्लास लूंगा फ्राइडे स्पेशल में। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशन। आपके पास डिस्कशन सेशन का लिंक आया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।